Hey guys, this is Raj and you're watching Petshala. तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि टर्टल्स अचानक से खाना क्यों छोड़ते हैं। बहुत से मुझे कमेंट्स आए हैं और रोज आते हैं कि मेरा टर्टल खाना नहीं खा रहा है। मैं बड़े टर्टल्स की बात कर रहा हूँ। छोटे टर्टल्स के ऊपर मैंने अपलोड किया है, कभी कभी ये छोटे टर्टल्स के लिए भी काम में आएगा वीडियो। तो ये किसी भी एज के टर्टल के लिए लागू होता है, लेकिन स्पेशली कमेंट्स जो आती है वो बड़े टर्टल्स के लिए आती है। लोग कहते हैं कि मेरा 4 साल का टर्टल है, 4 साल से मेरे पास है लेकिन उसने खाना छोड़ दिया, 4 महीने से है उसने खाना छोड़ दिया, 8 महीने से है खाना छोड़ दिया, खा रहा था अचानक खाना बंद कर दिया। तो उस सारी चीज़ों के रीजंस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो लॉन्ग हो सकता है लेकिन बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तो आप कुछ भी चीज़ मिस ना करें, क्योंकि एंड में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका टर्टल खाना नहीं खा रहा है तो उसे किस तरीके से खिलाना है, तो वो एंड में डिस्कस करेंगे। पहले उसके कारण जान लेंगे कि क्या एक्चुअल रीजन है जो आपका बड़ा टर्टल है उसके ना खाने का। तो चलिए बढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप, मैं बहुत ही डिटेल में बताऊंगा। तो पहला कारण है शिफ्टिंग योर एनक्लोजर या फिर आपके टर्टल का सेटअप चेंज कर देना। अगर आप आपके टर्टल को शिफ्ट करते हो या फिर आप खुद शिफ्ट हुए हो कहीं एक जगह से दूसरी जगह, या फिर आपने आपके टर्टल का सेटअप चेंज कर दिया है, तो कुछ चेंजेस होते हैं टर्टल के सेटअप में अगर छोटे से बड़ा कर दिया है, तो ये एक रीज़न है कि आपका टर्टल खाना छोड़ देगा। क्योंकि टर्टल्स स्ट्रेस में आते हैं, तो स्ट्रेस में आपका टर्टल खाना कम्प्लीटली छोड़ देगा कुछ दिनों के लिए। थोड़ी देर दिनों बाद वो जैसे जैसे सेट होगा वो अपने आप खाना चालू कर देगा। अगर ये चीज़ है तो आपको ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है, आपका टर्टल खाना चालू कर देगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट रीजन है, जैसे मैंने बताया था लास्ट वीडियोस में भी मैंने डिस्कस किया था, इम्प्रॉपर सेटअप। जो सेकेंड रीजन है वो है इम्प्रॉपर सेटअप। तो इसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स है, अलग अलग पॉइंट्स है कि आपका टर्टल खाना क्यों छोड़ देता है। आपके सेटअप में प्रॉपर लाइटिंग ना हो, जो UVA है, UVB लाइट्स होती है वो ना हो। अगर आपका सेटअप में प्रॉपर बास्किंग एरिया ना हो या फिर आपके टर्टल टैंक का जो टेम्परेचर है वो प्रॉपर नहीं है, तो ये भी रीज़न हो सकता है कि आपका टर्टल खाना छोड़ दे। बहुत बार क्या होता है कि हम प्रॉपर बास्किंग एरिया नहीं रखते हैं हमारे टर्टल टैंक में, तो उससे क्या होता है कि टर्टल पानी में रह के वो बीमार हो जाता है, तो उसकी वजह से भी आपका टर्टल खाना छोड़ देता है। अगर आपके टैंक में प्रॉपर लाइटिंग ना हो, तो आपका टर्टल बीमार हो सकता है। जैसे कि आपको पता है कि जो रेप्टाइल्स होते हैं, जो टर्टल्स होते हैं, वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, तो उनको एक्सटर्नल हीट की ज़रूरत होती है। तो नेचर में तो वो सनलाइट से पूरी कर देते हैं, उसमें ही UV मिलता है, विटामिन डी मिलता है, तो उससे ही वो अपनी कमी पूरी करते हैं। लेकिन कैप्टिविटी में ये पूरी नहीं हो सकती, इसीलिए आपको आर्टिफिशियल लाइट्स लगानी पड़ती है उनके एनक्लोजर में। अगर उसकी कमी होगी तो आपका टर्टल खाना नहीं खाएगा, और जो डी विटामिन होता है वो आपके टर्टल के कैल्शियम को भी एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, और जो फूड होता है वो हीट होती है जो सनलाइट से या यूवी रेज से मिलती है, लाइट से मिलती है नेचर में। तो टर्टल क्या करते हैं कि उस हीट से अपने फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प मिलती है। तो इम्प्रॉपर सेटअप भी एक रीज़न हो सकता है आपके टर्टल के ना खाने। तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है इम्प्रॉपर टेम्परेचर। अगर आपके यहाँ का क्लाइमेट बहुत ही रैपिडली चेंज होता रहता है, अभी ठंडी है बाद में गर्मी आ रही है, या फिर आपने आपके टर्टल टैंक को किसी बेड में रखा है, आपके खुद के बेड में रखा है, और AC चालू रहता है, कभी बंद होता है, कभी चालू रहता है, कभी बंद होता है, या फिर उसके खुद के सेटअप का जो टेम्परेचर होता है, चाहे वो बास्किंग एरिया का हो, चाहे वो उसके पानी का हो, तो इससे टर्टल जो है वो स्ट्रेस में आते हैं, और स्ट्रेस में आने के बाद जैसे मैंने बताया कि वो खाना छोड़ देते हैं। तो ये भी एक रीज़न है आपका टर्टल खाना छोड़ देगा। तो नेक्स्ट एंड बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है वाटर क्वालिटी एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके टर्टल की लाइफलाइन होती है। आपका टर्टल पानी में रहता है, पानी में ही खाता है, तो वाटर क्वालिटी खराब होने से उसमें बीमारियां आती हैं, और उन बीमारियों से वो आपका टर्टल जो है वो खाना छोड़ देगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है, आपको ध्यान में रखना है कि पानी का जो क्वालिटी है वो अच्छा ही रखना है आपको। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है जो कि है इलनेस। अगर आपका टर्टल बीमार होगा तो वो डेफिनेटली खाना छोड़ देगा। इसमें से मैं कुछ आपको कॉमन रीजंस बता देता हूँ क्यों आपका टर्टल खाना छोड़ देगा, किस बीमारी में आपका टर्टल खाना छोड़ देगा। तो सबसे पहला है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन।
रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में आपका टर्टल कम्प्लीटली शांत हो जाएगा, खाना खाना छोड़ देगा, उसकी आँख भी बंद हो जाएगी। तो लंग इन्फेक्शन की वजह से वो खाना खाना छोड़ देता है। तो इसके ऊपर बहुत डिटेल वीडियो है हमारे चैनल पे, आप देख सकते हो, उसमें मैंने ट्रीटमेंट बताई है, आप चेकआउट कर सकते हो, आप पता कर सकते हो कि उसमें सिम्टम्स क्या है, उसकी ट्रीटमेंट कैसी देनी है, ये सभी चीज़ें उसमें मैंने दिखाई है डिटेल में, तो आप वो वीडियो चेकआउट करें। नेक्स्ट रीज़न है कि आपका टर्टल जो इलनेस का रीज़न है वो है स्वोलन आइज। ये भी एक बहुत कॉमन रीज़न है, जैसे कि हमने पिछले पॉइंट में डिस्कस किया कि वाटर क्वालिटी, अगर आपके टैंक की वाटर क्वालिटी खराब हो तो आपका जो टर्टल है वो स्वोलन आइज हो सकता है, उससे उसके आंखों में इन्फेक्शन होता है, तो वो खाना खाना छोड़ देगा और धीरे धीरे वो एकदम स्लो डाउन हो जाएगा और डेथ भी होती है। तो इसके ट्रीटमेंट का भी एक वीडियो, बहुत सारे वीडियोस हैं लेकिन एक डिटेल वीडियो लेटेस्ट में मैंने अपलोड किया है, उसमें बहुत ही डिटेल में मैंने बताया कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन और स्वोलन आइज की ट्रीटमेंट, इसके अलग अलग वीडियोस हैं, वो डिटेल में है, वो आप चेकआउट कर सकते हैं चैनल पे। नेक्स्ट इलनेस का जो रीज़न है वो है शेल रॉट या कोई जख्म होना। शेल रॉट में आपका टर्टल अगर ज़्यादा बढ़ेगा, उसका जो शेल है वो सड़ने लगता है, उसका भी डिटेल वीडियो है, चेकआउट कर सकते हो। शेल रॉट में आपका टर्टल का शेल जो है वो सड़ने लगता है, गलने लगता है, बहुत सारे उसमें टाइप्स है, तो उसमें भी आपका टर्टल खाना खाना छोड़ देगा। नेक्स्ट बीमारी का और ना खाने का रीज़न है कि फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन में भी आपका टर्टल खाना खाना छोड़ देगा। और मेटाबॉलिक बोन डिसीज भी एक डिसीज़ है उनमें, जिसमें आपका टर्टल स्लो डाउन हो जाता है, उसके बोन्स एकदम डिले हो जाते हैं, उसमें एनर्जी नहीं रहती है, ख़राब हो जाता है उसके बोन्स, तो वो उस टाइम भी खाना खाना छोड़ देता है। तो ये चीज़ें आपको मार्क करनी है कि आपके डायग्नोस करनी है कि क्या रीज़न हो सकता है आपके टर्टल का ना खाना खाने का। तो फाइनल में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपका टर्टल खाना नहीं खा रहा है तो आप उसको कैसे खिला सकते हो। तो नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि अगर आपका टर्टल को एक ही फूड की आदत लगी है और आपने कुछ नया उसके ऊपर ट्राई किया है तो आपका टर्टल खाना नहीं खाएगा, रिफ्यूज़ करेगा। सबसे पहली बात तो आप क्या खिलाते हो, आपकी टर्टल स्पीसीज क्या है। सबसे इम्पॉर्टेंट, इंडियन टर्टल्स नहीं रखने हैं, इलीगल है इंडिया में रखना। तो सबसे पहले रिसर्च करें कि आपके टर्टल को क्या खिलाना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये मार्क करें कि आपका टर्टल है या टॉर्टोइस है, क्योंकि टर्टल और टॉर्टोइस अलग अलग होते हैं। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये टर्टल है टॉर्टोइस है, और टॉर्टोइस का अगर आप गूगल पे सर्च करोगे कि टॉर्टोइस को क्या फीड करें तो चीज़ें सेम होती है लेकिन खिलाने का तरीका अलग होता है। तो फूड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे मैं अभी एक बात कर रहा था कि अगर आपने दूसरा फूड लाया और एक फूड की आदत है उसे, तो आपका टर्टल तभी भी खाना छोड़ देगा। इसीलिए आपको वैरायटी में उसको फूड देने हैं, बहुत अलग अलग टाइप्स के फूड देने हैं। उसके ऊपर बहुत डिटेल वीडियोस है, मैंने 3 पार्ट में वीडियोस बनाए हैं गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस है। अगर आप कोई भी फूड आपका खत्म हो गया है तो इन फूड्स के ऊपर आप आपके टर्टल्स को सर्वाइव रख सकते हैं, और आपके टर्टल को आदत भी रहेगी अलग अलग फूड खाने की, तो इससे आपका टर्टल हेल्दी भी रहेगा और आपकी दिक्कत भी कम हो जाएगी। तो वो 3 पार्ट्स में है, वेजिटेरियन फूड, नॉन वेजिटेरियन फूड और फूड और सप्लीमेंट्स कमर्शियल आप कौन से दे सकते हो, उसके ऊपर भी डिटेल वीडियो है, चेकआउट कीजिए। एक नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका टर्टल खाना नहीं खाएगा वो है डिस्टर्बेंस। गाइस देखिए, हमें आदत होती है कि हमने पेट लाया है, अगर वो प्यारा है तो हम उसे उठाते रहते हैं, उसको पकड़ेंगे, निकालेंगे उसको बार बार टैंक से, तो ये एक रीज़न होता है डिस्टर्बेंस का। या फिर बच्चे होते हैं घर में तो कुछ ना कुछ छेड़ते रहते हैं, मारेंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे, तो इससे स्ट्रेस में आते हैं। या फिर आपके पेट हो जो कि उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करें, या फिर डॉग कैट कोई भी दिखे आपके टर्टल को, उनकी आदत नहीं होगी तो वो उन्हें देख के स्ट्रेस में आ सकते हैं। या फिर आपने किसी क्राउडेड प्लेस पे अगर पहले किसी शांति वाले एरिया में रखा था, और अगर आपने एकदम क्राउडेड प्लेस में, अगर हॉल में ला के रखा है जहाँ पे लोगों का आना जाना ज़्यादा है, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है आपके टर्टल को स्ट्रेस में लाने का, और उस टाइम आपका टर्टल जो है वो खाना खाना छोड़ देगा। तो ये सारे रीजंस हैं आपका टर्टल खाना खाना छोड़ देगा। तो आपको डायग्नोस करना है इन चीज़ों में से कि आपके टर्टल के साथ क्या चीज़ हो रही है। अगर वो इल है तो उसकी ट्रीटमेंट दे। अगर आप ज़्यादा उसको स्ट्रेस आउट कर रहे हो, उसको बार बार छेड़ रहे हो, तो वो कम करें। अगर आपको देखना है कि कोई आपका घर में बच्चा या पेट अगर आपके टर्टल को
कुछ तकलीफ दे रहा है तो वो बंद करें। अगर आपका टर्टल एक ही फूड खा रहा है तो उसे स्विच करें धीरे धीरे अलग फूड के ऊपर। अगर आपने उस टर्टल टैंक का सेटअप चेंज किया है या शिफ्ट किया है तो कोई बात नहीं, वो धीरे धीरे खाना खाना चालू कर देगा। इस केस में इसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बस वरी तब करना है जब आपका टर्टल इल हो। अगर वो बीमार हो तो उसकी ट्रीटमेंट ज़रूर आपको देनी है। होम रेमिडीज़ मैंने दिखाई है, कैसे आपको ट्रीट करना है वो सारी चीज़ें डिटेल में है, वो देख लीजिए। अगर वो उन चीज़ों से ठीक नहीं होता है तो आप उसको वेटनेरियन के पास लेके जाइए और एंटीबायोटिक्स का डोज दीजिए। तो अभी मैं एक चीज़ आपको बताऊंगा जो कि आपके टर्टल को एनर्जी गेन करने में हेल्प करेगी। अगर आपका टर्टल खाना नहीं खा रहा है तो उसको कैसे खिलाना है। कैरेट सूप एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अगर आपका टर्टल खाना नहीं खा रहा है तो आप उसे कैरेट सूप देख सकते हो। तो कैरेट सूप क्या है ये मैंने वीडियो में डिटेल में बनाया है, आप देख सकते हो। तो मैं आपको एकदम शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि कैरेट सूप क्या है। आपको कैरेट का जूस बना के आपके टर्टल को उसके अंदर डिप करके रखना है, जिसमें कि वो अपनी मुंडी जो है वो ऊपर इजीली ला सके और नीचे डाल सके। तो वो उसकी मुंडी सबमर्ज रहनी चाहिए, लेकिन सांस लेने के लिए वो अगर उसकी मुंडी उठा है तो वो आराम से सांस ले पाए। तो आपके टर्टल को कैरेट सूप में 40-45 मिनट्स या एक घंटे के लिए भी आप रख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, क्योंकि नेचुरल थिंग है। यही आप अलग अलग वेजिटेबल्स के साथ कर सकते हो, उसको ग्राइंड करके उसकी जो जूस है उसमें आप रख सकते हो। तो जो मैंने वेजिटेबल्स बताए हैं वो उन चीज़ों में आप रख सकते हो। इसमें क्या होता है कि आपका टर्टल जो है वो पानी में रहेगा तो वो कंज्यूम कर लेगा, गलती से भी वो उसको कंज्यूम कर लेगा, वो उस पानी को पी लेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपके टर्टल को कम्प्लीटली ड्राई रखना है। दिन में 2 बार आपके टर्टल को उस कैरेट सूप में रख सकते हो, उससे उसका हाइड्रेशन भी पूरा होगा और उससे आपका टर्टल एनर्जी भी गेन कर लेगा, वो कंज्यूम भी कर लेगा, तो उसके अंदर धीरे धीरे एनर्जी आने लगेगी। अगर आपको इन चीज़ों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है तो आपको आपके टर्टल को वेट के पास लेके जाना है, क्योंकि उसको एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत है। अलग कुछ रीज़न हो सकता है जो कि हम डायग्नोस नहीं कर पाए होंगे, तो आपका वेट उसको ठीक कर देगा। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो आज के लिए इतना ही।